जाना है। हाँ, सभी से अपील यही है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखे। और कल जैसा आपने देखा कि जो कानून व्यवस्था का जो एक लिमिट है उसके बाहर जाके कुछ प्रदर्शन वगैरह हुआ और जिससे शहर में हालात थोड़े विकट हुए, ये मीडिया पर्सन्स ने भी देखा और सभी ने भी देखा। और एहतियातन BSF का एडिशनल जाब्ता आया है, पुलिस ने भी अपने पूरे माकूल प्रबंध कर रखे हैं और सभी का यही ध्येय है कि इस तरीके का घटना जो है वो दोबारा नहीं हो। इस शहर के अंदर जो शांति प्रिय है, सभी से अपील यही है कि शांति और धैर्य बना कर रखें। और क्योंकि कानून और लोकतंत्र जो है वो संविधान के दायरे में रह के सभी को इजाज़त देता है अपनी बात रखने का, तो उसके बियॉन्ड जाके कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करे जिससे कि इस शहर का और सभी लोगों का नाम है वो धूमिल हो, ऐसी किसी को नहीं करनी चाहिए। और एहतियातन हम सारे कदम उठा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, और मीडिया से भी एक अपेक्षा है कि आपके पास भी कोई इस तरीके का कोई फीडबैक हो तो प्रशासन के साथ जरूर शेयर करें। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में आप सभी सहयोग करें। सर, इसमें मेरा निवेदन यही है कि जो हालात जिस तरीके के थे कल, उसमें मान लो अगर कोई ऐसा अगर हुआ भी है तो भी लाइक उसको मॉडरेट करके उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए था कि भाई किस तरीके से उन लोगों ने हालात को कंट्रोल किया है ना। और सभी लोगों को, पुलिस के और भी जवान थे, सभी ने संयम रखते हुए और इसको कंट्रोल करने में अपना सहयोग किया है। मीडिया पर ने भी काफी सहयोग किया है। टुकड़िया अपने एसेस करेंगे, इसमें अपन एसेस करेंगे और जहाँ तक अपनी जरूरत होगी वहाँ तक। सर, इंटर की अवधि का तब एसेस कर रहे हैं, दोबारा एसेस करेंगे, शाम तक और एसेस करेंगे और कल भी एसेस करेंगे। और जब सभी का फीडबैक ये रहेगा कि भाई अब माकूल है और अपन इसको लिफ्ट कर सकते हैं, तो उस समय इसको लिफ्ट किया जाएगा। कैसे आपने जायजा लिया शहर का आज का हालात? फिलहाल माकूल है और कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। 14 अप्रैल नज़दीक आ रही है तो क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये 14 अप्रैल तक हम कोशिश हैं, हम सारे उसी को लेकर सतर्क हैं और प्रबंध रखेंगे माकूल 14 अप्रैल और उसके बियॉन्ड भी, कि इस तरीके के हालात दोबारा नहीं बने और कभी ऐसी स्थिति आई नहीं कि किसी को लोकतंत्र के बाहर जाकर इस तरीके का कदम उठाने की जरूरत पड़े। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीडिया पर्सन का भी काफी ज्यादा सहयोग रहा कल और आज। मेरा सवाल ये है कि लोग आज घरों में सुरक्षित रहेंगे? सभी चाहते हैं कि जो भी लोग घरों में बैठे आराम से रहे, शांति से रहे, कहीं पर भी पूरे शहर के नागरिक, पूरे जिले के नागरिक है वो शांति से रहे अपने घरों के अंदर। उसका हम पड़ताल कर रहे हैं कि जो भी मैसेज था उसका हम एग्जामिन करा रहे हैं कि वो कराने वाला कौन था। आपको पता है कि अफवाहों के बाजार में कई लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ इस तरीके के मैसेज करते हैं, भड़काऊ मैसेज देते हैं जिससे कि माहौल खराब हो, है ना। तो अपन को उस पर गौर करने की जरूरत है कि कौन है जो इस तरीके से ट्राई कर रहा है कि माहौल खराब हो। और आप लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आप प्रशासन से जरूर शेयर करें।